आगे रुक करते कुछ और खबरों का। श्रीलंका में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन पर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था, इससे पहले चार देशों में आयोजित किया जा चुका है। इस बार के महोत्सव में उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की सरकार का इसमें काफी बड़ा सहयोग रहा है। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का श्रीलंका में स्पीकर को भागवत गीता देकर समापन हो गया है। और क्योंकि ज्ञानानंद महाराज जी की तरफ से एक बीड़ा उठाया गया था कि पूरे विश्व को एक साथ गीता के माध्यम से जोड़ने का जो उठाया गया था, आज पांचवा ये समापन हुआ है। हमारे साथ में चूंकि गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कई देशों से यहाँ महिलाएं और कई पुरुषों प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पहुंचे थे। खासतौर से हरियाणा की बात करें तो 100 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल में लोग थे। और अब समापन की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल श्रीलंका के एक मंदिर में है, प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। महाराज जी से बात भी कर लेते हैं कि किस तरह का लगातार पांच दिन उत्सव चला कैसे देख रहे हैं। अब समापन जो हुआ वो संसद में जाके समापन हुआ है श्रीलंका की। वास्तव में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, हर देश का गीता महोत्सव अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण रहा, और ऐसा ही अनुभव किया गया कि हर बार जब भी जहाँ भी गीता महोत्सव हुआ, पिछले वर्ष और पिछले देश की अपेक्षा कुछ और नया, कुछ और अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण प्रेरणाएं साथ थी। तो जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में लग रहा था ऐसा कि यहाँ जिस ढंग की स्थिति है उसने संभवतया गीता जयंती उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उतनी व्यापकता, उतनी भव्यता, दिव्यता ना ले पाए। लेकिन जो उत्साह यहाँ आके दिखाई दिया, जो भाव दिखाई दिया, जिस ढंग से प्रारंभ से ही सैकड़ों सैकड़ों बच्चों ने श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में भाग लिया, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई महाभारत और गीता पे, उसमें बहुत से बच्चों ने रुचि दिखाई, और उसके बाद महायज्ञ जब हुआ तो सबने अनुभव किया कि कितनी शुचिता, कितनी पावनता, कितनी दिव्यता के साथ यहाँ के आचार्यगण विप्रजनों ने हवन यज्ञ संपन्न किया। गीता जी के श्लोक वातावरण में गुंजारित हुए, वेद मंत्र वातावरण में गुंजारित हुए इस तरह पर, और उसके बाद जो शोभा यात्रा थी, शोभा यात्रा ने तो निश्चित एक ऐतिहासिक प्रेरणा जगाई। हमें लगता है कि आने वाले किसी भी देश में जब होगा और जब वो श्रीलंका में हुई शोभा यात्रा को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम इससे अच्छा और क्या करें, तो करें क्या। एक आखिरी सवाल है आपसे, स्पीकर द्वारा जो संबोधन उनका हुआ, खास तौर से भारत से जो लगाव उनका दिखाई दिया, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं उनके संबोधन को? निसंदेह स्पीकर का इस ढंग से बोलना, और हमें लग रहा है कि जब हम आए तो तब हमें ये संकेत मिला कि स्पीकर कोई बोलेंगे नहीं, केवल भगवद गीता रिसीव करेंगे, लेंगे और पार्लियामेंट के लिए वो घोषणा करेंगे। लेकिन जब ये संदेश दिया गया, उनसे आग्रह किया गया कि आपको कुछ शब्द बोलने चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया, और जिस आदर से वो बोले, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं मैं भारत कहूँगा, और भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है वो वास्तव में हम सबको प्रेरित करती है, स्वयं उन्होंने स्वीकारा। पर ये भी उन्होंने कहा कि अब हम भगवद गीता को पार्लियामेंट में पूरे आदर के साथ स्थान देंगे और प्रयास करेंगे कि भगवद गीता के भाव को हम और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हुआ है और समापन भी पूरे जिस उल्लास, होशोल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ हुआ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गीता के प्रति विश्व में लोगों का कितना प्यार और संभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।